So hello friends, welcome back to my new vlog. This is Adnan and you are watching Be Certified. तो दोस्तों अभी हो रहा है 4:06 और अभी टाइम है शहरी का और अभी हम जा रहे शहरी करने और अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा रात है और यहाँ हमारे पूरे गांव में बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सन्नाटा है। चलो देखते हैं कि आगे क्या हलचल है। आगे बहुत ही ज्यादा अंधेरा भी है। ये देखो द मोस्ट ब्यूटीफुल चांद एवर, शायद आप सबको अच्छा से नहीं दिख रहा होगा। तो 4 बजे रात को हमारा ये मस्जिद कुछ ऐसे दिखता है। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, बस यही थोड़ा उजाला है। हम पागल ट्रैवलर्स अभी रात को यहाँ पे घूम रहे हैं। ओहो, 4 बजे रात को यहाँ घूम रहे अपने गाँव में। जल्दी कर, ये भी नहीं खुलेगा क्या? It's last thing. तो फ्रेंड्स अभी सुबह हो चुकी है और जैसे कि आप सब मेरे फेस को देख सकते हो, बहुत ही गंदा लग रहा है। बात तो सही है। तो अभी मैंने ब्रश नहीं किया है, जो बहुत ही बड़ा टेंशन होता है ब्रश करने का। तो अभी मैंने ब्रश नहीं किया आज, बहुत ही ये टेंशन मेरे पास नहीं आया। अगर मैं ब्रश करता तो मेरा जो रोज़ा है वो टूट जाता, तो इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ दूध लाने, क्योंकि ब्रश करने के बाद मैं हमेशा जाता हूँ दूध लाने सुबह सुबह। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूध लाने और मैं आप सबको वो भी दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा वो भी दिखाने का। तो चलो चलते हैं वहाँ दूध लाने। पहले ध्यान से देख लो गाड़ियों का अम्मार। तो अब हमें करना है इस रोड को क्रॉस। मैं तो कर लूंगा पर अम्मार का मालूम नहीं। तो फाइनली हम पहुंच गए यहाँ और यही है वो जगह जहां से हम लाते हैं अपने दूध। तो फाइनली ये रहा हमारा दूध और आप सब देख सकते हो इनके पास बफेलो के अलावा कितने सारे एनिमल्स हैं, लाइक गोट्स, हेंस एक्सेट्रा। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस। तो दोस्तों अगर आप सबको याद हो कि पिछले व्लॉग में अम्मार गया था बाजार के एक मिल में आटा पिसवाने के लिए, तो आज वो दिन है जिस दिन वो आटा को वापस लाएगा। अम्मार, तो कैसा था तुम्हारा जर्नी? बैड। बैड? Yes. क्यों, क्या है तुम्हारा आपने? Yes. कंडीशनर। अच्छा चलो 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 चलो। भैया कहना है कि आज 2 बजे रात के अंदर दादा का और बजाय कि तुम अच्छे थे, मतलब सीखी से 1 घंटा पहले 2 बजे। मे बी पेट्रोल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो अम्मार भी आ गए यहाँ पानी लेके इन चींटियों को साफ करने के लिए। अगर हम इन चींटियों को साफ नहीं करेंगे तो ये बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो अब मैं तैयार भी हो गया एंड ना लुक एट मी। रमजान में ना कुरान पढ़ने का एक अलग ही मजा होता है। तो दोस्तों क्योंकि अभी मेरे पास किसी भी तरह काम नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताने कि क्या होता है ये अलविदा जुमा। तो जब से रमज़ान शुरू होता है तो उसके रमज़ान के लास्ट में जो जुमा होता है उसे हम अलविदा जुमा कहते हैं। तो आज जो है वो अलविदा जुमा है और अगला जो जुमा आएगा वो रमज़ान के महीने में नहीं होगा। ये बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाले, तो प्लीज़ स्किप मत करना और एंड तक देखना। तो अभी फिलहाल जब अजान होगी तब हम जाएंगे नमाज पढ़ने। तो अभी के लिए 3 मिनट में। तो दोस्तों अभी हो चुकी है अजान और अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो अब मैं आप सबको कुछ देर बाद मिलूंगा। तो अब जो फिलहाल अभी चल रहे हैं नमाज पढ़ने। यो हाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब क्योंकि हम मस्जिद से वापस घर आ गए, सो लेट मी चेंज माय स्लीपर्स। बहुत तेज हो रहे हो। हां, सब बाबड़े होगा सर। अभी भाड़ में
दोस्तों मेरा नाम है अफरान। आज जुमा है, अलविदा जुमा, इसलिए मैं रोज़ा रखा हूँ। बहुत ज़ोर से पानी पीने का मन कर रहा है लेकिन अभी नहीं पी सकते हैं। तो दोस्तों बैठे बैठे मैं हो रहा था बहुत ही ज़्यादा बोर, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं घर में और देखते हैं कि सब लोग आखिर कर क्या रहे हैं। वो भी रोज़ा रख कर, तो चलो चलते हैं और देखते हैं पहले भैया क्या कर रहे हैं। तो चलो आगे देखने के लिए मेरे साथ आप भी जुड़ रहिए। इस घर में है भैया, मेरे भैया। तो चलो ये देखो अफरान पढ़ रहा है या फिर ऐसे ही पेन से खेल रहा है। यहाँ पे आधा मूज बना लिया इसने अपने आप। अम्मा प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, वी आर फ्रेंड्स टू मच हार्टली, सो प्लीज यू कैन गो, सो नाउ यू कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। गजब बेइज्जती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे घर में जहाँ दादी इत्तेकाफ में है। दोस्तों इसे कहते हैं असल ध्यान। अगर दादी के पीछे कोई मुझे पीट के भी चला जाए तो दादी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ हर फोकस ऑन स्टडी। दादी जरा बड़ाई कर रही है। तो अभी हम जा रहे हैं बाजार इफ्तार के सामान को लाने। तो वहाँ जब मैं जाऊँगा, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तब मैं आपको सबको अच्छे से दिखाऊंगा। तो लेट्स गो देयर फर्स्ट। तो दोस्तों इस लड़की की वजह से ये पूरा एरिया जैम पड़ा हुआ है, पर मुझे क्या मालूम था कि ये हमारा सब्सक्राइबर ही निकलेगा। अरे न्यूली मर्ड यूट्यूब नाम है बीस चोरफल नाम है, करे तो सच कर दे मसाज। शायद आज किसी का बैंड बजने वाला है। तो ये हमारे गांव का ईदगाह जहां दो तीन दिन बाद आएंगे यानी ईद में। तो इस रोड के थ्रू आप हमारे नेबरिंग विलेज रुपौलिया जा सकते हो। इतना बड़ा एड वाला पोस्टर। तो हम अपने पचपकड़ी बाजार में एंटर कर चुके हैं और ये है पचपकड़ी का बीच बाजार। इतने दिनों बाद जाके मैंने इस टांग को देखा है और ये है अम्बेडकर चौक। तो सबसे पहले जो हम चीज़ खरीदेंगे इस बाजार में वो है चिकन। तो हमेशा हम इस हाजी साहब की दुकान से ही चिकन खरीदते हैं और आज हम यहीं आए हैं। ये दुकान पचपकड़ी के फेमस जामा मस्जिद के बगल में ही है। बस इस ट्रक की वजह से ये देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक लग गया हुआ है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा चिकन जिसे मैंने डाल दिया अपने बाइक के डिग्गी में। तो अब हम आ गए यहाँ एक फ्रूट स्टोर में कुछ फ्रूट्स खरीदने। तो हम यहाँ से लेंगे कुछ केले लाइक एक डजन। इस रश को देख के आप सब नोटिस कर ही सकते हो कि ये स्टोर काफ़ी फेमस है। सो वी ऑल्सो बॉट आवर केला एंड नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। ओ वाह व्हाट एन इंसिडेंट मैन। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है, बट एक्सेप्ट दैट हमने अपना वाटरमेलन नहीं ले लिया। हमने अभी काफ़ी चीज़ ले लिया है और घर पे भी कुछ सामान है जो हम इफ्तार में यूज़ कर सकते हैं। देख रहे हमारा साफ हो भी ना कि मतलब कुछ होता ना। अपने चिकन के लिए भैया अभी प्याज काट रहे हैं। एंड
एंड एट अदर हैंड हमने अपने चिकन को भी खूब अच्छे तरीके से धो लिया है। क्योंकि आज अफरान भी रोज़ा है तो अफरान तो रोज़ा लाए बहुत भूख की प्यास 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 How are you feeling right now? I'm excited or hungry? Curious and enthusiastic and excited. और वो कैसे शो कर रहे हैं आज सो फाइनली हम इफ्तार के टेबल पे बैठ चुके हैं और अभी हम अजान के इंतजार में हैं। तो ये है अम्मार के लिए थोड़ा सा शरबत। फ्रेंड्स दैट्स रियली ट्रूथ, इतना प्यासा मैंने पहली बार अपने आप को फील किया है। तो अब भैया चले नमाज पढ़ने। तो दोस्तों फाइनली आउटर डिनर टाइम आ ही गया, तो मैंने आप सबको इस व्लॉग में सहरी से लेके इफ्तार तक दिखाया। तो ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार था और इफ़ यू लाइक दैट व्लॉग सो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशन आइकन दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। सो दैट वाज माय व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।